रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपको हमेशा खैरियत से रखे। तो जनाब, आज हमारे किचन में बन रहा है मटर पुलाव। तो उसके लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ पर राइस लिए हैं, ये बासमती राइस हैं, पकने में बहुत अच्छे होते हैं। ये मैंने लिए हैं 1 किलो, और साथ ही मटर भी लिए हैं मैंने 1 किलो। इसको मैंने छील लिए, दाने इसके अलग कर लिए। यहाँ पर मैंने ली है 3 से 4 प्याज, उसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर ली है। साथ ही लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, उसको स्लाइस में काट लिए है। और साथ ही 2 हरी मिर्चें ली हैं, उसको बीच से कट कर लिया है। तेज़पात लिए हैं मैंने 3 से 4 अदद। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, थोड़ा सा गरम मसाला लिया है साबुत। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों को ग्राइंडर करके फ्रीज कर लिया था। इस तरीके से मैंने क्यूब्स बना के रखे हैं, फ्रीज कर लिया है। जब मुझे नीड होती है मैं निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। ये तकरीबन होंगे 8 से 10 अदद। ये हरी मिर्चें का पेस्ट हो गया हमारा। यहाँ पर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, 2 टेबल स्पून सॉल्ट हो गया। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून दिया है। ये 1 टी स्पून यहाँ मैंने लिए बादियों के फूल पिसे हुए बादियों के फूल लिए हुए हैं। और यहाँ पर लिया है पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, और ये लिया है कुकिंग ऑयल 1 कप। ऑयल हमारा गरम हो गया है, साथ ही हम इसमें डालते हैं अपना साबुत गरम मसाला, और इसके साथ ही डालते हैं अपनी कटी हुई अनियन। इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है, अच्छे से प्याज हमारी ब्राउन हो जाएगी। जी तो यहाँ पर प्याज लाइट गोल्डन हो चुका है, तो साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि हमारे प्याज गले ना, और साथ ही ऐड कर देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। ऐड कर देंगे सॉल्ट, गरम मसाले और पिसे हुए बादियों के फूल। 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से हम भूनेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम अपने मटर। मटर को हमने मसाले के साथ 1-2 मिनट भून लिया है। अब साथ ही ऐड कर देंगे इसमें 1-1.5 ग्लास पानी। अच्छा, 1 पिंच ऑफ शुगर ऐड करेंगे ताकि हमारे मटरों का कलर ख़राब ना हो। इससे ये होता है कि एक चुटकी चीनी ऐड करने से ये होता है कि मटर का कलर वैसे ही अच्छा सा रहता है और उसका कलर ख़राब नहीं होता। मटर के अलावा और भी हम कोई भी सब्ज़ी बनाएं, उसमें अगर हम एक चुटकी चीनी ऐड कर दें तो वो सब्ज़ी का कलर बिल्कुल बरकरार रहता है, उसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होता। जी यहाँ पर पानी में उबाल आ गया है, अब हम 15 से 20 मिनट मटरों को गलने के लिए छोड़ देते हैं लो टू मीडियम फ्लेम। अच्छा, यहाँ पर हम मटर पुलाव के साथ सर्व करेंगे चिकन ब्रोस्ट। ये मैं इस तरीके से मसाला लगा के फ्रीज़र कर देती हूँ ताकि मुझे एनी टाइम अगर ज़रूरत हो तो मैं निकाल कर फ़ौरन से। 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लगाया है, 1 टीस्पून कुटी किसी भी लाल मिर्च लगाई है, और 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लगाया है। बस ये सिंपल से मसाले लगा के मैं इस तरह ड्रम स्टिक रेडी करके रखती हूँ ताकि जब भी कोई आ जाए तो मुझे अगर ज़रूरत हो तो मैं फ़ौरी तौर पर उसे रेडी कर लूँ। इस पोजीशन में मैं इसको फ्रीज़र करके रख देती हूँ ताकि मुझे जब भी ज़रूरत पड़े मैं निकाल कर फ़ौरन रेडी कर लूँ। इंशाल्लाह इसकी भी पूरी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अभी मटर पुलाव के साथ क्योंकि मुझे सर्व करना है इसलिए इसका बाकी का प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ मुझे और इसमें मज़ीद क्या करना होता है। आप भी चाहें तो इस तरह मसाला लगा के अपनी चिकन को रेडी करके रखें, एनी टाइम अगर आपको ज़रूरत पड़े तो फटक आप जल्दी से निकाल कर उसको रेडी कर लें। जी यहाँ पर मैंने 2 अंडे बीट करके रख लिए हैं, इसमें साथ ही 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी
काली मिर्च डाल के उसे अच्छी तरीके से फेंट के रख लिया। अच्छा, मैंने अपनी पिछली रेसिपी में मैंने होममेड ब्रेड क्रम्ब यूज़ करे थे और यहाँ पर मैं ये वाले यूज़ कर रही हूँ। पहले इसको हम अंडे में अच्छी तरह कोट कर लेंगे, फिर ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह कोट कर लेंगे। इस तरह से हमें तमाम अपने लेग पीस रेडी करके रखने हैं। यहाँ पर हमारी सारी ड्रम स्टिक रेडी हो गई है। देखा आपने कितना इजी रहा, अगर हमारा इस तरह मसाला लगा रहे लेग पीस पे तो फिर कितना इजी हो जाता फिर इसको रेडी करना। चलें अब इसको फ्राई करते हैं। यहाँ ऑयल हमारा गरम हो चुका है, चलें अब हम इसको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मीडियम टू लो फ्लेम पर हम तकरीबन 5 से 10 मिनट तक के इसको फ्राई करते हैं कवर्ट करके। यहाँ 4 से 5 मिनट हो गए हैं चिकन को फ्राई होते हुए। चलें अब इसकी साइड चेंज कर देते हैं। यहाँ 15 से 20 मिनट हो गए हैं मटरों को गलते हुए और मटर हमारे अच्छे से गल गए हैं। चलिए अब ऐड करते हैं इसमें अपने चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने 2 ग्लास पानी ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको पकाते हैं। पानी का अंदाज़ा आप इस तरह भी रख सकते हैं, तकरीबन 1 कोरे तक के पानी होना तो हमारे चावल अच्छे से बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऐड करेंगे हमने जो टमाटर कट करके रखे थे और जो हरी मिर्ची कट करके रखी थी। जब हमारा पानी खुश्क होने लगेगा फिर हम इसको दम पर लगा देंगे। पानी यहाँ हमारा खुश्क हो रहा है, जैसे ही पानी पूरा खुश्क हो जाएगा फिर हम चावल को दम लगाएंगे। इस स्टेज पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपने आप टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। जी, यहाँ पर पानी चावलों का तमाम खुश्क हो गए हैं। अब हम इसको दम पर रखते हैं एकदम स्लो आँच पर तकरीबन 10 से 15 मिनट। जी, यहाँ 15 से 20 मिनट हो गए हैं चावलों को दम हुए हुए और यहाँ हमारे अच्छे से चावल दम हो चुके हैं। चलें मैं अब आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चलें जनाब यहाँ पर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो जनाब यहाँ रेडी है हमारा मटर पुलाव, जी हम इसके साथ सर्व करेंगे चिकन ब्रोथ, साथ में रायता और ये ग्रीन चटनी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, आई होप कि आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।